आपका एग्जाम टूर में स्वागत है। आपसे बता दें, अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए हैं, मैथमेटिक्स का ताज। आपको मालूम होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इनके साथ किस तरीका से प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, वहां गए और अभी क्या इनके पास मैसेज आया या कंप्यूटर पर जो मैसेज, संपूर्ण जानकारी। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसके लिए क्या किए, कैसे किए, ए टू जेड जानकारी मिलेगा। अभी ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के कहां से आ पाए हैं? हम पटना से यहाँ। नाम क्या हुआ आपका? धीरज कुमार। मैथमेटिक्स था? या कितना अंक आ रहा है पहले हम इस पर चर्चा? 75 के लगभग। 75 में, तब तो एकदम 100% क्लियर है। ओके, एक बात बताइए, जब आप यहाँ आए सुबह में, तो आने के बाद आपके साथ क्या हुआ, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे कोई पर्ची लिए? हाँ, टोकन तक आने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। टोकन कटा? हाँ, टोकन के लिए भीड़ था। हाँ, भीड़ तो बहुत था। जो प्रॉब्लम था टोकन के लिए, बस टोकन के लिए प्रॉब्लम। हाँ, बस उसके बाद टोकन कटने के बाद उसके कोई अंदर में कोई परेशानी नहीं होना था। हाँ, कोऑपरेट किया गया, अगर बैठा मैंने एक रूम में बैठा गया, उसके बाद मैंने एक रूम में मैंने कैंडिडेट नहीं आने। कितना बजे आपको टोकन मिला? टोकन लगभग 11:30 के लगभग। 11 बजे? 11:30 बजे। एक घंटा लग रहा है अंदर? हाँ, अंदर लग जा रहा। क्या क्या आपसे जांच हुआ जब यहाँ टोकन कटाए? तो वहाँ सिग्नेचर करना है? नहीं, हाँ, टोकन के समय सिग्नेचर करना है। हाँ। इसके बाद कहीं सिग्नेचर का यूज नहीं है। जब वहाँ सिग्नेचर किए, उसके बाद क्या सिग्नेचर मिलाया गया? नहीं, सिग्नेचर तो नहीं मैच होता है। मैं क्योंकि जनरली एक फॉर्मल रजिस्टर पे साइन होता है। वो फॉर्मल एक रजिस्टर है, उसमें नाम और जो सब्जेक्ट हो लिखे और साइन कीजिए। साइन की। हाँ, इसके लिए कुछ। जब वहाँ से टोकन संख्या मिला होगा? हाँ, टंक संख्या मिला। उसके बाद 802 मेरा था। उसके बाद जब अंदर गए तो किसी रूम में चले जाना है या किया? एक रूम नंबर दिया गया था। टोकन? हाँ, टोकन में एक रूम नंबर था, जो मेरा रूम नंबर 7 था। और उस रूम में 7 में बैठने पर वहाँ अगर कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं तो हम लोग को फिर दूसरे रूम में शिफ्ट करा गया। ज्यादा कैंडिडेट हो जा रहे हैं? हाँ, दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। नहीं, कैंडिडेट ज्यादा नहीं है, उन्होंने करने वाला जो मैंने वेरीफाई कर रहे वो अनुपस्थित है, हम लोग रूम में नहीं थे, तो वो लोग को हम लोग को भेजा गया उनके रूम में। उसके बाद जब आप टोकन लेकर गए, वहाँ क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ? पहला काम यही हुआ कि वो टोकन जमा करवाएं, मैंने सीरियल नंबर से टोकन कुछ लिए, मैंने वेज में बनाए। एक वेज लिए कि इतना से इतना तक लेना है, पीरियड बनाया, पीरियड में आपको टोकन सेलेक्ट किए, उसका टोकन को बुला के आप एक आदमी एक एक को बुला एक के को अलग अलग। हाँ, अलग अलग बुला के वेरीफाई करवा रहे हैं। और वेरीफाई में रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डाले? हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं। उसके बाद एक एक, उसके बाद क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो मेरा पूरा फॉर्म खुल गया जो हम फिलअप किए हैं, और पूरा फॉर्म खुलने का जिसके सीरियल वाइज जो हम डरे हैं वही नंबर को मिलाया जा रहा है। जैसे हम पहले क्या आईडी हो गया तो आईडी को मैच किया गया, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लिया जाएगा, उसके बाद आईडी वेरीफाई, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट। एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करना है आपको? सेल्फ कहीं कुछ नहीं। हाँ, सेल्फ स्टेटेड लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, तो हम लोग सेल्फ स्टेटेड किया है। हाँ, जो मैंने फाइल जो दी है उसमें वन लिखा। जब एडमिट कार्ड दिए उसके बाद? हाँ, एडमिट कार्ड दिया उसके बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया गया, जो हम अपलोड किए उससे मैच किया गया। ओरिजिनल और अंक पत्र दोनों दिए? हाँ, दिए दोनों, मगर वहाँ मैच एक ही दिखाई गया रहा है। दोनों हम लेके गए दोनों, मगर वहाँ दिखाया गया एक ही, सिर्फ ओनली जो हम अपलोड किए वो देखा गया। जो आप दिखाए वहाँ पे मैट्रिक का, उसमें क्या क्या मिलान हुआ? उसमें सीरियल नंबर मिलाया गया और मार्क्स मिलाया गया, मैंने हाँ इशू डेट पूरा, हाँ पूरा डिटेल देखा रहा, पूरा मैंने फॉर्मेट पूरा जो हम अपलोड किए वो खुल जा रहा है, उससे पूरा मैच कर रहा है। उसके बाद मैट्रिक के बाद क्या हुआ? मैट्रिक के बाद आपका अगर कैटेगरी में है तो कैटेगरी चेंज होगा, उसके बाद कैटेगरी में? हाँ, कैटेगरी में है। किस कैटेगरी में? बीसी में है। बीसी में, तो बीसी का दिए, एनसीएल होगा? हाँ, एनसीएल दिए। उसमें क्या क्या मिलान हुआ? एनसीएल में आपका इशू डेट देखा जाएगा, एनसीएल नंबर मिलाया गया, और उसके बाद कहाँ से मैंने सीओ का बना हुआ है या डीएम का बना हुआ, हाँ, तो वो देखा जा रहा है। सिग्नेचर भी देखा जा रहा है कि उस पर डिजिटली साइन है या नहीं? हाँ, सिग्नेचर देखा जा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे आपको ज्ञान में होगा जिनका डिजिटली शायद अपलोड जो कर रहे हैं उसमें कुछ डाटा बढ़ जा रहा है या किसी का 100 MB से कम हो जा रहा है, 112 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो हम लोग के साथ प्रॉब्लम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हुआ जब एनसीएल मिला? एनसीएल के बाद रेजिडेंशियल खोजा गया, रेजिडेंशियल दिखाया, उसमें भी सेम प्रोसेस दम आगे। उसके बाद? उसके बाद फिर हमको बीए का दिखाया गया, ग्रेजुएशन दिया गया, जो बीएससी मेरा था तो बीएससी का डॉक्यूमेंट दिखाया गया। कहाँ से बीएससी किया? बीएससी मगध यूनिवर्सिटी से। उसमें आपका ओरिजिनल था या प्रोविजनल था? ओरिजिनल दिया है। ओरिजिनल, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले? वही बोला कि जो आप अपलोड किए वही हम मैच कर, जैसे मेरा एनसीएल डीएम का बना हुआ है, डीएम तक बना, मगर अपलोड करते समय एनसीएल सीओ का ही बनाया था, तो हम बोले तो उनको रिक्वेस्ट किए तो बोले कि नहीं, जो आप अपलोड किए वही नंबर मिलाएगा, तो सीओ का नंबर उसमें था और साइन भी था, वो देख के क्लियर किया गया। उसके बाद फाइनली जब हो गया आपका एनसीएल मिला दिया गया, ये ग्रेजुएशन वाला मिला गया, एक टू जेड मिलाया गया, उसके बाद क्या कोई मैसेज आया या उस पर बोला गया कि सक्सेस हो गया? नहीं, मैसेज तो कुछ नहीं, सक्सेस लिखता है इसमें कुछ नहीं, वो नहीं कुछ नहीं, सक्सेस नहीं लिखता ना कोई मैसेज आता, वो अपना फॉर्मेट उसमें नीचे जाके एक ऑप्शन वेरीफाई का है, वो वेरीफाई पे टिक करता है, वो अपना पासवर्ड आईडी डालता है, उसके बाद सबमिट करता है, सबमिट कर देता है। हाँ, बट हमको सिर्फ से यही लगा कि जो साइबर कैप का काम वो आयोग कर रहा है, बस
अभी इसे आपको यही लग रहा है कि जो आप अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, बस उतना देखा। हाँ हाँ, यस यही है। और कुछ यही है इसमें कि सरकार ऑलरेडी आयोग ऑलरेडी हम लोग का चेकअप करने के दो बार तीन बार टाइम दिया है कि आप अगर कोई नंबर गलत किए हैं तो उसको अरेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ मैच कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। जैसे आप जब दिए, चूंकि इससे पहले भी कई सारा आप एग्जाम दिए होगा, जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा इतना शांत तरीका से अच्छा तरीका से एग्जाम कराया गया, यहाँ भी वेरिफिकेशन हो रहा है, सही डायरेक्शन में हो रहा है, आप लोगों को कई एक बार मौका दिया गया, बिहार के और आयोग को आप क्या कहिएगा? देखिए अभी तो बिहार के पहला ही अच्छा एग्जाम जा रहा है और अच्छे तरह से लिया गया है, अभी तक तो और कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें मतलब धांधली न हो या कुछ नहीं हो, मगर ये ऐसा एग्जाम गया जिसमें बहुत शांति को सब अभी तक शांति है। हाँ अभी तक कोई नहीं, अंदर हो रहा है ना बाहर हो रहा है, कहीं से अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। बस अतुल सर को क्या कहिएगा, चूंकि अतुल सर एक एक अभ्यर्थी का मुद्दा देखते हैं। अतुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगा है, ये जो हाँ प्रोसेस जो बहुत अच्छा लगा है, और सिर्फ यही है कि स्टूडेंट का थोड़ा सा एंट्री करने में दिक्कत, थोड़ा जैसे पानी वाला मौसम है। हाँ बस इसी चलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। जो अभ्यर्थी का इसके बाद है, कल है, परसों है, आने वाले समय में 12 तारीख तक होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ये डर रहे हैं कि क्या होता है अंदर, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, उनके लिए हम यही मैसेज करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हम अभी हैं मैंने बचे हुए हैं, वो जो मैंने ओरिजिनल के लेके कंफ्यूजन उन लोग का है कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ओरिजिनल निकालने के लिए कॉलेज जा रहे हैं, तो ये अपना मैंने ये सब हम मैं रहिए, आप जो अपलोड किए चाहे वो मार्कशीट ही क्यों ना हो, सिर्फ वही लेके आप आइए और कुछ नहीं लेके आना है, जो अपलोड किए वही यहाँ चेक होगा। ग्रेजुएशन में प्रोविजनल भी है तो काम चलेगा, प्रोविजनल भी है तो चलेगा, अगर प्रोविजनल ना भी है मार्कशीट भी है तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ जो अपलोड किए वही मैच किया जा रहा है। यहाँ मैंने ये नहीं बोला कि आप ये चीज दीजिए हमको, सिर्फ ये बोला है आप जो अपलोड है वो चेक हो रहा है। आधार कार्ड वगैरह में देखा जाता है किसी विद्यार्थी का कहीं त्रुटि होता है क्या आपके आधार कार्ड में? नहीं, मेरा आधार कार्ड में त्रुटि नहीं था, मगर यहाँ एक थोड़ा सा इति देख, अगर किसी बच्चे को मैंने ये भी यहाँ बेनिफिट है कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज डॉक्यूमेंट छूट गया है या मैच नहीं करा तो बोला कि ठीक है आप करवा के लेकर आइए, ये समय दिया जाए। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।